हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएफए की पाठशाला। आज जल्दी से बात करने वाले हैं कि जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो कितनी जल्दी पेट में से जा रहा है। उसका कारण क्या है कि जिस तरह का खाना आप कंज्यूम कर रहे हो, खाना पेट में रुकता है। आपका पेट जो है उसमें बहुत कम एब्जॉर्प्शन होती है। मेरे साथ अगर आप देख पा रहे हो तो आपको डाइजेस्टिव ट्रैक दिख रहा है। आपका जो स्टमक है वो 100 से 200 ml का होता है। खाना खाने के बाद एक्सपैंड करता है 1 से 2 लीटर, और अगर ओवर ईट करते हो तो 4 लीटर तक एक गुब्बारे की तरह फूल सकता है। और यहाँ पर आपका जो सॉलिड फूड है उसको तोड़कर लिक्विड बनाया जाता है, और एवरेज हर फूड का अलग होता है। जैसे अगर आप चिकन की बात करते हो तो चिकन को डाइजेस्ट होने, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनने में 90 से 120 मिनट लगते हैं। अगर आप सब्जियों की बात करते हो तो 30 से 40 मिनट लगते हैं। फ्रूट्स को लगते हैं 15 से 20 मिनट। अब इसका रेलेवेंस क्या है कि अगर आप बात कर रहे हो कि मेरे स्टमक से खाना जल्दी निकल रहा है, तो उसका रेलेवेंस ये होता है कि आपको उतनी जल्दी भूख लगेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कभी आपने अगर ओवर ईटिंग में केक या पेस्ट्रीज बहुत ज्यादा खा ली होती तो क्या होता, जब आप खा रहे होते तो आपको फील नहीं होता, पर कुछ समय के बाद ऐसा लगता है भगवान क्या खा लिया, उठा ले यार, इतना खाने के बाद तो मौत हो जाएगी। वो क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि जो स्टमक से सिग्नल जाता है ब्रेन तक कि आपका पेट भर गया है, वो लगभग 16 से 17 मिनट में जाता है। इसको बोलते हैं सेटाइटी, द फीलिंग ऑफ स्टमक फुलनेस। तो सोचिए 16 से 17 मिनट में आप कितना ज्यादा खा सकते हैं। तो इसीलिए हर डील में जब हम बोलते हैं कि प्रोटीन को, वेजीज को, इन सारी चीजों को ऐड करो, ताकि आपका जो स्टमक एम्प्टिंग है, मतलब स्टमक जो खाली हो रहा है, जो सॉलिड फूड लिक्विड बन रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा समय लगे और आपको कम से कम भूख लगे, ताकि आप जो है ओवर ईटिंग ना करें। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेटाइटी। तो इसी तरीके से हर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फूड का एक टाइम होता है। जैसे दूध के जो प्रोडक्ट हम लगभग 2 घंटे लेते हैं, पानी जो है वो बिल्कुल जीरो जैसे हम बोलते हैं बिल्कुल क्विकली निकल जाता है, लिक्विड चीजें बिल्कुल क्विकली निकल जाती है। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो 90 से 120, मतलब प्रोटीन का मेरा मतलब है जो खाने वाला प्रोटीन है, चिकन है, अंडा है, पनीर है, चीज है, इनको स्टमक से निकलने में लगभग 90 से 120 मिनट तक लग जाते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद।